प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर अब भयभीत हो जाता है युधिष्ठिर के महाराज फिर हमारी यज्ञ कैसे संपूर्ण होगी। एक संत है इधर छोटी जाति में है, उसका सुदर्शन नाम है, नीची जाति वाले को सुपच कहते हैं, बाल्मीक यानी भंगी के घर में जन्म है और वो संत आवे तो बात बन सके। तो वो कहने लगा युधिष्ठिर के उधर हमने अर्जुन जी को भेजा था, उससे पूछते हैं। वो कह के आए कि नहीं संत को, अर्जुन बुलाया, कहने लगा भाई आपने वहां कोई संत होंगे उधर कह के नहीं आए उनको, हैं जी संत, पर वो तो अभिमानी बहुत है। के बात है, कृष्ण जी कहने लगे कि मैंने उनसे कहा था कि हमारी यज्ञ में चलिए महाराज, तो वो कहने लगे कि 100 यज्ञ का फल मुझे दे जो पहले, तब मैं थारे यज्ञ में भोजन पान चालू, क्योंकि तुमने इतने पाप कमारे खे से और उसके उपलक्ष्य में तुम ये धर्म कर रहे हो, भाई हम भोजन खाने नहीं जाए। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने ये जवाब दिया। भीम कहने लगे, तो भीम से कहा तो उन्होंने बोला जी वो तेनों कहने लगा कि 100 यज्ञ का फल दे मैं जब चालू। मैंने कहा कि मारी तो प्रथम यज्ञ और देख लियो थारी इच्छा होता आ जाओ, आपने तो उल्टी आंट लगा दी। तो कृष्ण जी कहने लगे संतों को ऐसे नहीं कहा करते, और या मेरे को बताना चाहिए था अपना आकर के कि कोई संत ऐसे बोला, मैं समाधान बताऊं। वो अगजीब के बना मेरे साथ चलो, खुद भगवान कृष्ण नंगे पैरा और पांचों पांडु राजा छहों के छहों चले जाते हैं, और जाकर के उसमें क्या हुआ वो सुपच सुदर्शन कौन था थोड़ा सा विवरण दूंगा। वो सुपच जो था वो सुदर्शन बंगी जाति में छोटी जाति थी, वैसे संत तो हम तो नहीं मानते जात को, पर जो फीत लागगी वह कहनी पड़े, बाल्मीक महर्षि भी हो गए पर भी बाल्मीक कहना नहीं छोड़ा उसका। तो वो कबीर साहब के शिष्य थे। अब प्रश्न उठेगा कि कबीर साहब और द्वापर में करुणामय नाम से आए थे कबीर साहब, वो उनके शिष्य थे और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्पुरुष के उपासक थे। अब जैसे हम जिसके उपासक हैं उतना लाभ लेते हैं, जैसे डीसी से मेल हो रहा है तो डीसी ताई का लाभ मिल रहा है, मुख्यमंत्री से मेल है तो मुख्यमंत्री ताई का हम लाभ ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लाभ जरूर ले रहे हैं। और जिसका प्रधानमंत्री से मेल हो रहा है वो न्याराय संत, वो सिफारसी न्याराय पाओगा। तो इस प्रकार वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जैसे आपको व्याख्या करी थी, ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म और परब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म, उस पूर्ण ब्रह्म के उपासक कबीर साहब और अवतार कबीर साहब थे। कबीर साहब यानी करुणा में से नाम ले रखा था सुपत सुदर्शन ने। उस दिन जिस दिन कृष्ण भगवान और पांचों वो पांडव उनको बुलाने के आमंत्रित करने के लिए जाते हैं, तो कबीर साहब ने अपनी शक्ति से उस सुपत सुदर्शन को कहीं दूर भेज दिया किसी कामवश, और वहां उसका रूप बनाकर खुद बंदी छोड़ बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण जाते हैं, जाके लंबी दंडौत करते हैं जैसे हम करते हैं आज ग्रंथ साहब के सामने और संतों को। इस प्रकार पांचवों ने जब कृष्ण भगवान ने दंडौत करी तब पांचवा ने उनने भी करनी पड़ी। तो उठ कर कहते हैं सुदर्शन जी कहने लगे कि कैसे आए त्रिलोकीनाथ इस गरीब की कुटिया पर। तो भगवान कृष्ण बहुत सात्विक और सतोगुणी प्रधान है, कहने लगे महाराज आपकी महिमा ने कौन जान सकता है, हम आपको आमंत्रित करने आए हैं कि हमारी यज्ञ में चलिए। तो भगवान कबीर साहब कहते हैं सुदर्शन कहते हैं कि भगवान कृष्ण बात ऐसे है कि ये भगत जी आया था 4-5 दिन हुए जब भीम का नहीं, क्यों भीम का न्यारा पछाण में आवे, अग इसको मैंने कही थी कि भी मैं यज्ञ में जब चालूंगा मैंने 100 यज्ञ का फल दे दो। कि भगवान कृष्ण तो सारी जाने थे, ने बोले महाराज आप ही की वाणी है, क्योंकि जो कबीर साहब ने शास्त्र ईब लिखे हैं ये चारों युगाम लिखाए हैं,
जो के तुम। तो आपकी वाणी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान और जो जो पग आगे धरे ओहे यज्ञ समान। अब जितने भी भगतात्मा चाहे करोड़पति चाहे कोई बड़ा अफसर चाहे कैसा भी है गरीब जो यहां से सत्भाव से सत्संग समागम आया है अपने अहंकार अभिमान न त्याग कर तो उसको एक एक कदम का फल एक यज्ञ के समान है। ये संतां की वाणी है। तो इस प्रकार कहने लगे महाराज आपकी वाणी है कि साध मिलन को चालिए तज माया अभिमान और जो जो पग आगे धरे वो है यज्ञ समान। ये सतगुरु आप अपने 100 यज्ञ ले लो और बाकी मारे दे दो जोड़ी में हमारा भी उद्धार हो जाए। इतने भी नम्र भाव से भगवान कृष्ण प्रार्थना करते हैं। ये मानता का सबूत होता है जिसमें ज्यादा शक्ति और भक्ति होगी वो नम्र ज्यादा होगा और जिसमें कम होगी वो उखड़ सुखड़ सा बोला करे करड़ा करड़ा रहा करे। भगवान कृष्ण जो से बहुत विनम्र और तीन लोक के सबसे श्रेष्ठ सतोगुणी प्रधान। जैसे बरगू जी ने छाती में लात मार दी थी इनके और फिर भी उनकी टांग पकड़ कहने बोले ए महाराज इसे बज्जर के और फूल के सी लात लागी कदे टूट ना गई हो आपका दर्द तो नहीं हुआ और मारे के साथ उसकी पकड़ के टांग मनमाना मरोड़ दे और गेलम गुत्थम गुत्था फुटम कुटा नहीं उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इतने विनम्र और सतोगुणी भगवान कृष्ण विष्णु जी है। तो कहने लगा मैंने इनसे कहा था कि सो यसो अच्छा फिर ने बोला भी बात तेरी ठीक से प्रसन्न हो गए भगवान कबीर साहब और ने बोला चालना चालना और अपनी सुमरणी माला थी खुट्टी पर टंग रही थी भीम ता इन्हें बोले भाई भीम एक सुमरणी ठा लाइए मेरी। अब भीम वो माला तारण जा सर भीम पर माला नहीं उतरती उनकी और पसीना पसीना हो रहा उस भीम ने नौका हाथी भगा दिए थे रुआज थी गोटे नहीं आ लिए और वह उस संत की माला नहीं उतरी जब कभी और उसके मन में भीम का यूं था कि कृष्ण जी क्या नाराजीकरण लाग रहे हैं रिश्ते और यज्ञ पूर्ण होगी ये भी बोले रहे भगवान कृष्ण ये मन में विचार कर रहा क्यों उसकी टूटी सी लंगोटी टूटे से जूते लांडी सी लंगोटी ढाडी बदी हुई सावला सा रंग जैसे जंगली से होया करें इस रूप में बंदी छोड़ बैठे तन्नो बोला रहा भीम मेरे में तक में शक्ति ना पर सुमरणी ना उतरती भी रात्रि जान गया कि तो जाने से शर्मागतले नाड़ कर ली और महाराज ने उठकर अपनी सुमरणी ठा ली चाल पड़े। अब यज्ञ मंडल में आ जाते हैं। अब इतने बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े उपरोक्त स्टेजा बैठे बड़े बड़े लाल लाल लत्ते पहर कर पांच पांच तलक ला कर छह छह और उस बूढ़े से महात्मा ने देख कर भीतरे भीतर तांसे अगले आई से शेर यू बजाओगा इनका संख पर ऊपर तो प्रकट नहीं कर रहे। तो कृष्ण जी द्रौपदी ते कहने लगे द्रौपदी बाण अच्छा सुथरा भोजन बना दे इस महापुरुष ने जय रुचि से भोजन खा लिया ना थोड़ा शंख बाजेगा। अब मन में ये संख्या द्रौपदी का भी आ गई थी कि इसी इसी विद्वानों से ऐसे ऐसे जो शब्द बैठे अरे तना बाज जाइयो मन में विक्षेप जरूर आ जाइयो मन बहुत खतरनाक चीज है। फिर भी उसने रोटी जी ला कर बनाया भोजन 36 प्रकार के व्यंजन तैयार किए और लाकर चांदी की थाली में नैरी नैरी कटोरिया में और रख दी। अब भगवान कबीर साहब ने यानी सुदर्शन जी ने के करा क्योंकि वहां सुदर्शन को के रूप में आए थे सुदर्शन ही का चलेगा यहां पर। अब कई प्रमाण हम आपको बताएंगे जैसे कि संत क्या कर देते हैं अपने भगत को उभारण खातिर। तो सुदर्शन जी ने के करा वो सारी जो किसी में खीर था किसी में हलवा था किसी में किसमस और तरह कई प्रकार के पकवान बना रखे थे 36 प्रकार के वो सारे ज्यों के त्यों एक थाली में इकट्ठे कर लिए थोड़े थोड़े जितने खाने थे और उसकी खिचड़ी सी रड़ा ली जैसे ने सारे गथोड़ में थोड़ दिए यानी रड़ा लिए। और द्रौपदी ने देखी बैठी बैठी अकमन इतने जी ला कर भोजन बनाया से और संत खाओगा सराओगा उंगली चाटेगा इसने कदे खाई भी ना होंगे इसे भोजन। और जब उसने नो देखा कि मेरी तो 2 घंटे की आंख फुड़ाई चूल्हे आ गए दुमे में और इसने जो है ना यू सारा जो है खिचड़ी बना ली इसने स्वाद का भी ना बेरा यू कित के संख बजावेगा यू गलीज यानी मन बहुत कसूता केरा के विचार कर गई 1 सेकंड में के इसने जो ना खान का भी ना बेरा यू कहा के संत संख बजावेगा इसने लिया इसे पकड़ के ये बहुत कसूता है मन के मते ना चालिए मन है पक्का दूत
अरले डूबे दरिया में फिर जात छूटे। एक बार कुकर्म करवा दे, लठ बजवा दे, मुकदमा करवा दे, फिर भारा हो जाने का मेरा समझौता करवा दे। तो पहले कबीर साहब ने पहले समझौता कर लो, ने दो गाल दे दे अपना कान बोच ले, दो मार ले जब भी सबर कर ले तो भी बढ़िया रहोगे उन मुकदमे आते हैं। अराजती किसे की इज्जत ना रही सही ने, जो राज्य हो दिए वो भी आखिर में लठ बजा बजा कर मर कर कुत्ते की जुनी में जा ली। तो भाई द्रौपदी के मन में बहुत विक्षेप आ गया। तो क्या किया उस संत ने, सुदर्शन दियाना, पांच बार वो भोजन खाया, पांच ग्रास में वो खा गए सारे को, और पांच बार शंख ने आवाज करी। अब युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुआ कि महाराज जी मौज होगी, शंख बाज गया। कृष्ण जी ने बोले ना इब्बा नहीं बजा भाई, ये तो अखंड बजेगा और स्वर्ग तो इसकी धुन जागी, इतनी प्रेम से बजेगा यो, और जब यज्ञ संपूर्ण होगी। अब युधिष्ठिर का फेर मुंह उतर गया, अकीब किसने ढूंढ कर लाएंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे कि ना और कुछ नहीं ढूंढना, इस संत के बराबर तीन लोक में कोई शक्ति नहीं। तो वर्णन कर रखा गरीबदास जी ने कि इस बाल्मीक के वो बाल्मीक ने जिसने गीता लिखी थी ना, ये रामायण लिखी थी, वो बाल्मीक जो भंगी के घर में जन्म होने के नाते से उसको बाल्मीक कहा गया, सुदर्शन भी कहा, सुपच भी कहा, सुदर्शन नाम था वैसे सुपच भी कहते। नो बोले इस बाल्मीक के बालसम, इस सुदर्शन के बालसम ना ही तीनू लोक, ये इतनी शक्ति का संत है पर ना जच्चे। तन्नो बोला द्रौपदी तेरे मन में कोई कमजोरी आई से, और नौकरी इसके पांव धोकर पी ले, जब थारी यज्ञ संपूर्ण होगी और ना फिर मन में मत ना कहिए। अब कहते हैं गरीबदास जी महाराज कबीर साहब के द्रौपदी ने उस बूढ़े से संत की पां धोए चरणामृत लिया, और फिर देखे जब आधा द्रौपदी ने पी लिया ना, जब कृष्ण भगवान ने बोले द्रौपदी देखे मेरे मन ने दे दे थोड़ा सा आधा, उस चरणामृत को भगवान कृष्ण ने पिया, उस सुदर्शन के चरणामृत को। यहां गरीबदास जी महाराज कहते हैं चूड़े का चरणामृत लिया वो कृष्ण चंद्र करता रहा कि उस अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा सतपुरुष के नुमाइंदे कबीर साहब के शिष्य उस चूड़े का, जिसने हम बाल्मीक और भंगी और नीच जाति का कहते हैं, संता का नीच नहीं जात नहीं है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं ऊंच नीच इस विद है लोई, और कर्म कुकर्म कहां में दोई। बूंदे काम करनिया नीच काम करनिया चाहे ब्राह्मण जाति का वो नीच है, और अच्छे काम करनिया चाहे समाज उसके कहेगी फीत ला रहा वो ऊंच है। ये बसंता के लक्ष्य बताने की विधि है। तो उस समय वो शंख जो ही चरणामृत लिया तो वो शंख अखंड बाजता है बहुत देर तक, और स्वर्ग तक उसकी जनकार सारी पृथ्वी पर घूम जाती है जब वो यज्ञ संपूर्ण होता है। तो उस भगत ने ये भी प्रश्न किया मेरे से, नकलोई गांव का है वो, कहने लगा जी ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि वो सुपत सुदर्शन ईसा के होगा जिसने कृष्णता ही कोई फेल कर गया, ऋषि इसी विद्वान बैठे थे सारी महाभारत को फेल कर गया, वो तो नायक वो था सारी उसका, जिस जो किसी से काम नहीं उसने न करके दिखाया, वो क्या चीज थी मैं सारा जा लिया था भाई, जो जिसने कृष्ण से भी सुपीरियर शक्ति थी तो वह कौन चीज थी। पर ने बोला सब टाल मटोड़ कर जान दे, और मैं कहा भाई ये प्रमाणित शास्त्र है कबीर साहब का, गरीबदासियों का, जिन्होंने महाभारत जो की दो लिखती, गीता नो की नो लिख रखी इसमें, तो क्या वह ये भी झूठ लिख सकते हैं? क्या जरूरत थी उन्हें इस झूठ को झूठ लिखने की, सच को झूठ लिखने की या झूठे लिखने की? फिर तो सारे शास्त्र गलत से भी, फिर तो सारी झूठ से इन शास्त्रों में भी। अगर आप इस शास्त्र को गलत कोई मानना कि ये गलत से, तो फिर ये सारे गलत से। और नहीं, हम सारे को सत्य मानते हैं, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। अब जो किसी में ज्ञान है कि दिल्ली तक ये स्टेशन आवे हैं, और आप भी जा रहे मैं भी जा रहे यहां से दिल्ली, दोनों आगे सही मिले हैं, और हम आगे कलकत्ते तक ही नहीं गए, और वही आदमी फिर बतावा कलकत्ते तक ये स्टेशन और आवे, क्या वो झूठ बोलेगा? नो कह मैं जा कर रहा हूं ये स्टेशन लागा, जब यहां तक ही कि हमारे सारे मिल गए तो अगले भी सत्य है, पर हम ना गए हैं नहीं मानते, वो हमारी कमजोरी से। जब चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, रामायण, वो जो की तो ये इसमें लिखी गई, और उसके बाद बताया कि भी एक परमात्मा और सजी सन तम भूल रहे, तीन परमात्मा तीन लोक के मालिक, इससे ऊपर ब्रह्म जिसको निरंजन वेद ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म है। आप पार ब्रह्म की बहुत स्तुति सुनी होगी, जब दादा और परदादा दो नाम से तो व्यक्ति भी दो से,
और परदादा उसका बाप ते थोड़ा दादे ते भी बड़ा से यानी उसका बाप से। इसी प्रकार हम ब्रह्म को अर्ण को वो पार ब्रह्म से ये अनदान आदमी बंडा सके कि ब्रह्म और पार ब्रह्म एक चीज से। मंत्री प्रधानमंत्री में अगर अंतर कोई नहीं जानता वो तो नो मान लेगा कि एक चीज, पर हम नहीं मान सकते जिनको ज्ञान है। तो ये बंदी छोड़ने ये कहने की कोशिश की है कि ब्रह्म तक का ज्ञान ये तीन लोक के शास्त्र सारे देते हैं, उसमें मुसलमानों के भी आ लिए और अपने हिंदुओं के भी आ लिए, क्रिश्चियनियों के भी आ लिए। जिस क्रिश्चियस की भी जो स्टोरी है वो यही तक का ज्ञान है। अब इस तीन लोक के और फिर लोक तो और भी गणे मानना, हम खुद मानते हैं कि लोक तो बहुत गणे हैं, शास्त्र बताते इस प्रमाण को दे रहे। और फिर हम लोग कहे हैं कि किसी से हमने बात की, बोला शंकर भगवान या विष्णु भगवान का जो उपासक होता है वो नौका यू ए ब्रह्म से और यू ए पार ब्रह्म से। अब भाई डीसी ने को मुख्यमंत्री या तक डीसीए से मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, जब तीन लोक के कहा या तो फिर शुरुआती से ना सारे शास्त्र ने कंधे पांधे अनंत लोक ब्रह्मंड के परमात्मा है। जब शास्त्र तीन लोक के कह राम नौका ना यू अनंत लोक के ब्रह्म, तो या देखो जितनी इनमें शक्ति है वो गरीबदास जी ने इन शास्त्रों से ज्यादा वर्णन कर रखा है राम और कृष्ण की, कि जितनी इनमें शक्ति है तीन लोक के भगवान में वो तो वर्णन भी नहीं कर पा रहे ये शास्त्र और इन्होंने कर रखी है। लेकिन इनसे ऊपर एक और शक्ति है ब्रह्म और ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म, ये ब्रह्म के अवतार है तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश यानी बहुत ब्रह्म से उत्पन्न हुए। ब्रह्म ज्योत निरंजन है, ज्योत निरंजन काल है, संतों ने बताया। ज्योत निरंजन जो हम जाप करते हैं ये काल तक का जाप है, वेद उसको ओम जाप कहते हैं और संत जो है उसको ज्योत निरंजन अलख निरंजन। नाथ परंपरा के संत हमने देखे जाके मोगरा खड़काग्र अलख निरंजन, तो वही अलख निरंजन, वही ज्योत निरंजन, वही ब्रह्म, वही ओम ओंकार, वही तक का ज्ञान। इससे ऊपर ब्रह्म, ब्रह्म से पार ब्रह्म, पार ब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म के अवतार कबीर साहब आए। अब ये शास्त्र ज्ञान दे, वो भी ज्ञान हमें शास्त्रों से हुआ, घर का तो नहीं किसी का, ये शास्त्र आपके पास रखे हैं और ये भी शास्त्र है जो लिपिबद्ध किया गया। ये तो 600 वर्ष पहले का शास्त्र है, ये लाखों वर्ष पहले के भी हम सत मानते हैं, रहे भी सत। और ये तो 600 वर्ष पहले का लिखा हुआ शास्त्र है, कोई जो भी और गरीबदास जी ने लिखा हुआ तो हमारे पास हाथ से मौजूद है, कोई ने सोचा बाद में मिला लियोगे झूठी साची। कई भाई ने कहे रामायण में गोपाड़ पेल रखे, गोपाड़ तो उनको है जिनको ज्ञान नहीं, शास्त्र में गोपाड़ पेलन की कोई जरूरत नहीं थी, क्या हो सकता था उन संतों को इसमें गोपाड़। उस समय की जो परिस्थितियां थी आज हम मान ही नहीं सकते, आज से 100 साल के बाद कोई नो नहीं मान सकता कि 5 मण वजन नठानिया को आदमी हुआ होगा। और आज से 30 साल 40 साल 50 वर्ष पहले आम व्यक्ति 5 मण वजन न ठाकर छात पर चढ़ जाया करते थे, और आने वाले 100 साल में कोई इस बात ने स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई 5 मण वजन ठानिया, क्यों ऑर्डर रह जाएंगे प्योंद सी। गरीबदास जी ने लिख रखा इसमें कि आठ जब कलियुग का अंत होगा 15 वर्ष 20 वर्ष की उम्र रह जाएगी मनुष्य की और 5 उसमें से खंड होगा। जिस प्रकार आज हमारी 100 साल की उम्र मानकर चल रही है, 100 पूरा कोई नहीं करता, कोई 75 में, कोई 70 में, कोई 60 में, कोई 65 में, कोई 80 में चालते बने हैं। तो अंत जब होगा जब 20 साल की उम्र रहेगी और 5 उसमें से खंड होगा, 15 साल मर पड़ के पूरे होया करेंगे, इतने कसूते यहां पर दुख होया करेंगे, दुख तो ही होनला हो चुके शुरू और आने वाले समय में तो इतना दुख इस जीव को हो जाएगा या कैर हो जाएगा हर जीव के ऊपर, चाहे मनुष्य है चाहे दूसरे। तो 15 साल की उम्र होगी 20 साल की, जिसमें 5 खंडा और 5 साल की लड़की के बालक होने शुरू हो जाएंगे, ये समय आओगा और बिल खोल कर ये जीव रहा करेंगे मनुष्य जाति के, कोई मकान नहीं रहेगा क्योंकि उस समय वर्षा अभाव हो जाएगा और इतने जंखाड़ चला करेंगे कि भूचाल आया करेंगे, मकान बिल्डिंग रह नहीं सकती और उसमें बिल खोद कर ये प्राणी रहा करेंगे। ये कलयुग के अंत की बात बंदी छोड़ गरीबदास जी ने बताई। तो प्रकरण ये चल रहा था कि हम इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते, तो फिर क्या हुआ, यज्ञ पूर्ण हुई, युधिष्ठिर को सपने आने बंद हुए। यज्ञ धर्म करने से कर्म शुभ कर्म बढ़ जाते हैं, माड़े कर्म खत्म नहीं होंगे। या भूल मत करियो कि कोई नौका मैंने यज्ञ कर दिया और पिछले पाप कर्म खत्म हो गए, यज्ञ का फल अलग से मिलेगा और पाप कर्मों का अलग से मिलेगा। धर्म का जैसे यज्ञ क्यों करवाया गया, जिस प्रकार सब्जी में मिर्च ज्यादा हो जाए और वह ना खाई जाती होते घी गेर ले,
पर जो अवगुण मृत का सब भीतर शरीर में जाकर अवगुण मृत जरूर करेगी, खा जरूर गए। नमक जैसे ज्यादा हो गया उसमें घी डाल लिया वो भी कम हो जाएगा, लेकिन नमक अंदर जो डिफेक्ट नंबर नमक ने या फायदा करना वो जरूर करेगा। इसी प्रकार हम पुण्य कर्म जो करते हैं, पाप कर्मों को, जैसे भाई अच्छे धर्म कर रखे, आज वो करोड़पति हो गया, इस दुख तो बचा पैसे की कमी ना रही, लेकिन जो और उसके भाग के कर्म से वो भोगने पड़ेंगे, उसका बालक भी मर जाएगा, टांग भी टूट जाएगी, अधरंग भी मारेगा, अंधा भी होगा, चाहे करोड़पति के चाहे अरबपति हो, वह कर्म अलग से, वो सुख न्यारे कर्म का से। तो यहां तीन लोक की व्यवस्था का प्रधान ये है कि जिसे कर्म जीव करेगा वो भोगने होंगे। और ये बंदी छोड़ महाराज कहते हैं मारी शरण माए पाछ, उस पूर्ण पर सत्पुरुष की शरण माए पाछ, और सच्चे नाम का सार नाम का जाप करनी है, पै ये पाप कर्म खत्म हो जाया करे। अब यह बात नहीं जचे थोड़ी सी कि इनमें के शक्ति होगी कि ये खत्म कर दें, ये कर सके, और तीन लोक की व्यवस्था में ये कर्म खत्म नहीं हो सकते, क्यों? फिर गीता का ज्ञान झूठा। और ये प्रमाणित है, त्रेता युग में रामचंद्र जी आने बाली मारा था, और द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में आकर उसका बदला देना पड़ा। अपने कर्म ने खुद भगवान विष्णु नहीं काट सका, वो भोगे सरा। तो इनकी उपासना से आप अपने कर्म कटवाण की दबाट देखियो मत, ये कबीर साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता ना, ये गरीबदास जी के, हाँ इनकी उपासना सुख जरूर मिलेगा। जैसे मार्गदर्शन गीता जी में किया, वेदों में कर रखा, इसके अनुसरण अगर आप करोगे तो आप इस तीन लोक में सुखी हो सकते हो, पर जन्म मरण की बीमारी तो फिर भी नहीं बच सकते। ये कबीर साहब, आज तक हमने कथाएं पढ़ी, शास्त्र ज्ञान किया, रामायण पढ़ी, महाराज भगवान राम का ज्ञान हुआ, कोई बात नहीं। और ईष्टवादी होकर के हम उसके, जैसे भगवान कृष्ण जी ने कि हम लीलाएं पढ़ते हैं, उसमें कई ऐसी लीलाएं भी हैं जो कि आम व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करता और अच्छा व्यक्ति नहीं मानता, लेकिन हम उसको गलत नहीं मानते। तीन लोक के जो परमात्मा होगे वो जो चावे सो कर सके। कहते हैं गरीबदास जी के, सैंस गोपी का भोग कह फेर जती कह लाया, और ऐसे त्रिभुन राय है एक जाके पाप लग्यानी, ऐसा त्रिभुन राय। कृष्ण भगवान 16,000 गोपिकाएं के साथ भोग विलास किया। अब कई भाई कह ऐसे कि जब वो इतने खोटे कर्म करा करता क्या कहा भगवान, अब इस बात में हम नहीं पढ़ते, वो भगवान तो वो था ही, तीन लोग के उपासक थे परमात्मा, और लीलाएं ये सारी सत असत माननिया अपनी कमजोरी में से। अब हमने उस ज्ञान को मिलाना सह के कहां तक कौन सा ज्ञान हमें श्रेष्ठ और कहां ले जाओ। अब क्या हुआ कि बाली जोश है त्रेता युग में मारा रामचंद्र जी ने विष्णु अवतार ज्ञान, और फिर द्वापर में बालिया झीमर ने भगवान कृष्ण के पांव में बाल मारा तीर, और भगवान कृष्ण अपने शरीर को छोड़कर और लोक में जाने लग गया। जब वो स्वर्ग में जाने लगा उस समय उसने अपने पांचों प्रिय भक्तों को पांडवों को बुलाया, सबने कहा कि महाराज जी ये क्या हो गया, जुल्म हो गया, किसने मार दिया, ले उसको अभी खत्म कर देते। कृष्ण जी ने बोले ना जो हो गया यूं तो होना था भाई। उन्होंने पर वो वहीं बैठा बालिया झीमर हाथ जोड़े, महाराज मेरे से गलती होगी, मेरे से मैंने तो कोई पशु समझा था। भगवान कृष्ण के पांव में एक पदम का निशान था जिसमें बहुत चमक होती है, और मैंने वो पांव पे पांव रख के ऐसे महाराज लेटे हुए थे किसी वृक्ष के नीचे, और उसके जो फुंगड़ों में कह झुरमटों में कह उसने सोचा कोई मृग बैठा है इतनी मोटी आंख वाला, और उस आंख समझ कर उनके पांव में तीर मार दिया। तो कह महाराज मेरे से गलती होगी, क्षमा कर दे, मैं पापी जीव हूं, मैंने नहीं पता था भगवान है। ने बोला ना भाई गलती नहीं हुआ करती, भगवान कृष्ण ने उसे बताया कि ना भाई तेरा मेरा पिछला हिसाब किताब था, मैं रामचंद्र था और मैंने आप अपने स्वार्थ वश लाओ परमार्थ वश लाओ कुछ भी बात बनाकर मैंने आपका वध किया था। आपने पूछा था कि मेरा बदला कब दोगे, क्योंकि तीन लोक के अंदर अदला बदला जरूर है, तो मैंने कहा था कि भाई त्रेता युग में द्वापर युग में दूंगा, तो मैं अपना आज बदला दे चुका हूं और कोई तेरी गलती नहीं। अब युधिष्ठिर भी वहां सुन रहे थे और अर्जुन भी वहीं खड़ा था, सारे खड़े थे। फिर वो बालिया झीमर चला जाता है,
बालिया झीमर चला जाता है। फिर कृष्ण भगवान कहने लगे अभी पांचों मेरी बात ध्यान से सुनो, पांचों पांडव से कहने लगे क्या अर्थ है महाराज कि तुम पांचों भाई हिमालय में जाकर तप करो, पांचों जने जाकर हिमालय में तप करो और अपने शरीर को वहां खत्म कर दो, गाड़ दो गड़ा। अकमार अब अर्जुन प्रश्न करता, युधिष्ठिर नहीं बोलता न, बोले महाराज की कारण हो गया हम अपने शरीर को हिमालय में क्यों गड़ाएं के कारण से। तो वहां कहते हैं भाई सत्संग में बात नहीं करें कोई, ध्यान से सुनो जितनी देर सुनो और आप नहीं अच्छी लगती तो आराम करो जाकर के, या नहीं बोलना किसी ने। तो युधिष्ठिर जी कहने लगे अर्जुन प्रश्न करता कि महाराज हम हिमालय में क्यों गड़े जाकर, हमें कोई कारण बताओ कि आपने जो महाभारत में पाप कर्म किए हैं वो आपके समाप्त नहीं हुए, अपने शरीर को कष्ट दे करके वहां गाड़ दीजिए और आपके ये पाप कर्म कम हो जाए। अब वहां कबीर साहब कहते हैं कि अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान आपने गीता में सबसे पहला यही कहा था कि आपके ऊपर कोई का पाप कर्म लागू नहीं होंगे, और ये हमने फिर आप यज्ञ करी उस समय भी आपने कहा था यज्ञ कर दो आपके पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, दो बार यज्ञ करी और तीसरी बार आप फिर कहते हो कि वहां पाप कर्म गड़ा जाओ, गड़ जाओ सारे और तप करो आप खत्म हो जाएंगे। कहते भगवान आपकी लीला हमें समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं समझ में ना आई आई आप ये काम। अब ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि बहुत विद्वान थे, भगवान अपने स्वलोक को चला जाते हैं। अब कबीर साहब कहते हैं यहां तक के तो ज्ञान शास्त्र देते हैं, अब आगे का मैं बताऊं। पांचों पांडव हिमालय में गड़ जाते हैं, युधिष्ठिर जो है केवल उनका पंजा पंजा गड़ता है, वो सह शरीर अपने पिता के पास चले जाते हैं। ये पांचों कौन थे? युधिष्ठिर धर्मराय का लड़का था, जो लेखा जोखा करता धर्मराज उसका पुत्र था, यहां नाटक करने के लिए आए थे। जिस प्रकार एक फिल्म के अंदर करोड़पति का लड़का एक रिक्शा चलाता है और रिक्शा में सही रोल कर रहा कति रिक्शा पुलर का और गरीबी का और भाई जिस ढंग से वो रहता है, एक भिखारी का कर रहा है वो सही रोल कर रहा है, वो ना तो भिखारी है उस पिक्चर में पर पिक्चर देखनी है वो बिल्कुल सच लग रहा है, आनंदित भी हो रहे हैं दुखी भी हो रहे हैं उसके दुखों में। तो ये इसी प्रकार वहां से ये पांच मां शक्तियां आई थी अर्जुन जी के साथ, कृष्ण जी के साथ, युधिष्ठिर धर्मराज का लड़का और भीम पवनदेव का लड़का और अर्जुन इंद्र जी का लड़का, और ये जो दो थे नकुल और सहदेव ये अश्विनी देव के लड़के थे। ये चारों के चारों तो नरक में डाल दिए, कबीर साहब बताते हैं युधिष्ठिर को छोड़ के। युधिष्ठिर अपने पिता के लोक में चला जाता है धर्मराज के लोक में। अब वहां जाके कहता है कि मेरे भाई कहां, क्योंकि ये ममता जोसेफ बहुत देर तक, अब एक सफर में भी हम काफी देर रह ला, एक स्कूल में जो दो साल चार साल दस साल इकट्ठे पढ़ ले, जब वो नारे नारे चले जाते हैं तो कभी ममता जरूर उमड़ेगी कि एक बार फेट कहां जिनका अच्छा सुरसूख रहा मिल के आओ। तो इसी प्रकार भगवान युधिष्ठिर जी कहने लगे कि अपने पिताजी से कि वो मेरे भाई कहां है। युधिष्ठिर जी के पिता यानी धर्मराज कहने लगे कि कोई किसी का भाई नहीं था वहां, तय वहां तो एक खेल अपना खेल का है सो तुम, और वहां कोई किसी का भाई नहीं, तू तो मेरा पुत्र है और ये तेरा लोक है ये तेरा राज यहां रह। उसमें इतनी ममता होगी कि ने बोला मैं उनके दर्शन जरूर करूंगा जो मेरे साथ 100 साल रहे कितने दिन रहे और मेरे रह नहीं सकता मैं पागल होने जा रहा हूं। तो धर्मराज ने बताना पड़ा कि वे चारों नरक में पड़े हुए। कहने लगा नरक में क्यों गए? कि उन्होंने एक महाभारत किया था, युद्ध किया था, उसका पाप कर्म वो भोग रहे। अब युधिष्ठिर जी कहने लगे उनका कोई समाधान हो सकता है? हो सकता है, आप अपने पुन उनको दो, वो कुछ समय के लिए उन पुनों को भोगने के लिए बाहर आ सकते हैं पर कर्म फिर भी भोगने पड़ेंगे, पाप भी। आप अपने पुण्य दे सकते हो और उनको बाहर निकलवा सकते हो कुछ समय के लिए जितना वो पुण्य दोगे, उनके बाद फिर उन्होंने वो कर्म फिर भोगने पड़ेंगे। ने बोला जी एक बार बाहर कटवा दो। ने बोला जा भाई तेरे पुण्य जाएंगे इसमें अग जान दो, क्यों ममता बहुत बुरी चीज होती है।
वहां जाकर के अपना संकल्प कर देते हैं कि मेरे पुण्य इन चारों भाइयों को चारों को संकल्प करता हूं और ये नरक से बाहर आ जाए। वो चारों फिर नरक से बाहर आए। जब बाहर आ लिए, जब उनके पांव पकड़कर रोए हैं युधिष्ठिर जी, मैं ठीक नाच गया था उस महाभारत ने युधिष्ठिर लड़नते, परंतु मेरी एक नहीं बसाई। ये कबीर साहब कहे, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, गरीबदास जी शास्त्र प्रमाण देता। तो यहां बंदी छोड़, गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि इस महाभारत को आप 100 बार पढ़ लो और 1,00,000 बार पढ़ो, ज्ञान हो सके कि के काम उस दौरान हुआ और कौन सा करने का था और कौन सा ना करने का। आज गीता जी की कसम खाकर और कोर्ट में कई सालों तक और हाथ धरिया जाता है कि मैं गीता जी की कसम खाता हूं, क्यों हमारा श्रेष्ठतम हिंदुओं का श्रेष्ठतम यह ग्रंथ है, और जो गीता जी की कसम खा ले वो नरक में जा सकते। अब दोनों तरफ से गीता जी पर धरे जाते हैं, जो जुल्मी है वो भी धरे, मुर्जम भी, और जो दूसरा भी धरे, गवाह भी धरे। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और फिर जो फैसला हो से वो फिर एक तो झूठा होएगा जब दोनों कसम खावे। तो भाव ये से कहने का हमारा कि यहां जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान गीता जी का, आप इसको लीजिए। गीता जी के ज्ञान तक अंतःकरण साफ हो सके, संतों के सत्संग सुनने से अंतःकरण साफ होगा, पर कर्म जन्म मरण फिर भी नहीं मिटेगा। बाद दिया, समार दिया, खूब का उस अच्छी तरह तैयार कर दिया, पर बीज ना बोया। अब बीज के ऊपर रोला होगा आवेगा सारी बात। अब कोई कहे कि हम बीज बोते हैं, राम जपते हैं, कोई कहे कृष्ण जपते हैं, कोई कहे अल्लाह जपते हैं, हम खुदा जपते हैं, कोई ज्योत निरंजन जपते हैं, कोई ओम जपते हैं। अब ये बीज है, ये नाम अब बीज है। अब जिस नाम का जाप जिस ढंग से करोगे उसका लाभ आपको वहीं तक का मिलेगा। राम और विष्णु भगवान का लाभ लेने के लिए राम और कृष्ण का जाप बंदी छोड़ना नहीं बताया। ये आदरण की दृष्टि से आदरणीय ये नाम है, पर मुक्ति के नाम राम और कृष्ण या ये नहीं है। उनका आदि नाम जो जब से सृष्टि रची थी, कृष्ण कोई आज का नहीं है, जब से सृष्टि रची थी ये तीनों देवता बने आए थे, इन तीनों का आदि नाम सत्य नाम स्वरूप है। ब्रह्मा जी का सत्य नाम वो हम जाप करते हैं रोजाना, और हमारे बच्चे भी जाप करते हैं प्रतिदिन 108 बार, 108 नहीं 108 गुना में 432 बार एक इष्ट ब्रह्मा का। और विष्णु जी का आदि नाम इसमें लिख रखा कि जब तक सृष्टि रची थी उस समय विष्णु जी का यू नाम था। अब मेरे 100 नाम धर लो आप, पर असली नाम तो असली रहेगा, बैंक में तो पैसे कटाऊंगा तो उस असली नाम से लिख देंगे। और कितनी स्तुति करें जाओ मेरी, या मैं भी करें जाऊं अपने नाम की प्रधानता, पर नाम असली एक कैसे सत नाम बोल रहे हैं उसने, वो सतनाम को आवास है। विष्णु भगवान का भी सतनाम एक से जो इसमें लिख रखा है कबीर साहब और गरीबदास, और शंकर भगवान जी का भी सतनाम है। जब से ये आए थे जिस नाम के ये वश है ये लाभ देते हैं। वश क्या चीज होती है कि एक मंत्र होता है, आम नाम तो नहीं लाभ मिलता। जैसे एक मंत्र होता है कि सांप को यहां बैठा गारडू बुला सकता उस मंत्र के पढ़ देने से, और से उस नाग की कितनी स्तुति कर ले सांप की, तू कोबरा से, तू फणधारी से, तेरी मोटी मोटी आंख से, तू लंबी पूछ डाला से, कितने गीत गा लो वो सांप नहीं आवेगा। और वो मंत्र बोल दो कति स्तुति ना करो, वो वश है उसके, वो टुड़क टुड़क वहीं आ जाएगा। इसका प्रमाण है। एक बार कहते हैं युधिष्ठिर राजा परीक्षित जब शरीर छोड़ गया सांप के डस जाने से, उसकी पुत्र जन्मे देने का स्वयं एक यज्ञ करवाया। किस प्रकार का है कि उस यज्ञ में ये सब सर्प नष्ट हो जाने चाहिए, इस सब सर्प नष्ट हो जाने चाहिए जिसने मेरे पिता को डसा, वो तकसक तक। अब बड़े बड़े पंडित विद्वान आए, वो कहने लगे हमारे पास ऐसे मंत्र हैं, हम यहां बैठे और जितने भी सांप पृथ्वी के सबको इसमें हवन कर सकते हैं। जन्मेजय इतना बदले की भावना थी कि सबको नष्ट कर दो, सर्प जाती नहीं रहे। हवन शुरू हुआ, हवन कुंड के वो मंत्र बोले गए, पृथ्वी पर जितने भी सर्प थे आकर के नो रेल लेंडे के लेंडे, यानी टोड़ के टोड़, गुच्छे के गुच्छे, और हवन कुंड के अंदर बसम हो रहे हैं। जन्मेजय प्रसन्न होता है। लेकिन जब कहने लगे जी पृथ्वी पर कोई सर्प नहीं रहा, जो सारे इसमें भस्म हो चुके, तो तक्षक फिर भी नहीं आया जिसने उसका पिता डसा था। कहने लगा वो कहां है। एक विद्वान ने ध्यान लगाया, यहां से समाधि लगाकर बता दिया कि उसने इंद्र के पास शरण ले रखी है।
अब हम तो थोड़ी सी बात आड़े तुम्हें बता देना, तेरा मकान का मुंह नोन से आमने कहा वो ले यू तो पूर्ण संत है। और गरीबदास महाराज कबीर साहब उनको भी फेल करते हैं कि जो यहां बैठे ने बता दिया कि इंद्र लोक में क्या हो रहा विष्णु लोक में, ये जानकारी होने से क्या आत्म कल्याण हो जाएगा? तो फिर क्या हुआ, उसने बताया कि जो तक्षक है उसने इंद्र जी के पास शरण ले रखी है। नो बोला उसने भी बुला दे कोई सा मंत्र पढ़ने यहां सहचे मेरे पे कितना पैसे ले लो, और वो तक्षक यहां जाना चाहिए। एक पंडित बहुत विद्वान और साधक था, ने बोला जी मैं बुला दूंगा। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए तो वो तक्षक जो था वहां से खिसकना शुरू हुआ। उसने जाके इंद्र से प्रार्थना की कि मैं तो खिंचा जा रहा हूं, मेरी रक्षा करो। ने बोला मेरे सिंहासन के लिपट जा। इंद्र के सिंहासन के लिपट गया, फिर उसका मंत्र फेल हो गया। नो बोला जी भाई अब उसने शरण ले ली जी, कति इंद्र सिंह इंद्रासन के नीचे लपटा हुआ है। नो बोला भाई सा विद्वान है जो इंद्र इंद्रासन समेत यहां ले दे। नो बोला मेरे पास एक और खड़ा हुआ है। नो बोला जी मेरे दौरे पढ़ देता हूं भी, और किम में ले लिए इसका। कहते हैं उसने वो मंत्र शुरू किया और इंद्रासन उठना शुरू हुआ। इंद्र ने आवाज लगाई अर्ध करी भगवान विष्णु से कि मेरे राज को बचाओ, आपने दिया हुआ राज आज मेरा नष्ट हो रहा है, न्यू हो रहा है। तो फिर विष्णु भगवान ने एक ऋषि उसका नाम मैं भूल गया वो भेजा कि उसको समझा दे भाई देख इब तेरा बदला बतेरा हो लिया, इब तो माफ कर दे। उस ऋषि ने आकर समझाया भाई विष्णु भगवान का संदेशा है और इस कुकर्म ना तू बंद कर दे, तेने लाखों मार दिए एक ना है तो कोई बात नहीं, और उसको तो निमत मार, और इतने इतने पाप कर्मा ना किधर के ले जाएगा तू सिर पे। तो कहने से वो मान जाता है और तक्षक की जान बच जाती है। अब महाराज गरीबदास कहे कि इसे इसे शब्द और इसे मंत्र बोलनी है, और जब ईब कोई बोल देने रे सांप ने बुला देता हम क्यों के समझ लिया उसने, तो उनको भी महाराज कहें ये गधे की जुनी में जाते हैं जो ऐसे साधक है। और हम थोड़ा सा नो कहे इतनी ऊंचा उठ जा कर है बस क्या क्या कहने। तो ये जो हमने ना तो ज्ञान का बेरा और ना अपना साधक साधना, तो हम इनको सब कुछ मान बैठे जो कति मानन के नहीं थे। अब हम साधकना के ऊपर आते तो उन पांचों उनके सत नाम है, इस प्रकार इन नाम के वो वश है और इस नाम के जाप करने वालों को उनको ये नाम देना पड़ता है। अब हमने मनमुखी नाम धर लिया, हजार नाम धर लिए कृष्ण जी के विष्णु जी के। इब पानी पा चाहिए अपन है जल चाहिए, उसके तीन नाम धर लिए जल पानी जल पानी नीर जल पानी नीर जल पानी नीर के तो कोई आयो भाई पानी चाहिए तो जल कह दे भाई पानी पीऊंगा जल ले दो। अर्यों बेवकूफ बनना तो कोई सा लगता नहीं, गरीबदास जी कबीर साहब कहते हैं कि जल पानी नीर जल पानी नीर और भी धर ले वाटर जल पानी, ये कोई तुक होया एक का नाम तेरा अगर सही उसका सह तो भाव ये से कहने का कि हमने ना तो ज्ञान का बेरा और ना अपनी साधना और शास्त्र पढ़ने लग जा आदमी पागल हो जा रहा आखिर में नौका भगवान सह नहीं, वो उस मोड़ जा रहा से वो उस तोड़ जा रहा से वो नौका विष्णु बड़ा है विष्णु शंकर पुराण का है शंकर के बराबर कोई शक्ति नहीं। तो हम ये शास्त्र आपको पढ़ के सुनावांगे क्योंकि सात दिन का समागम है, यो एक नहीं, ये मेरे पास विष्णु पुराण शिव पुराण और सत्यार्थ प्रकाश महाभारत रामायण गीता जी ये सब के रखे हैं, इनको पढ़ के सुनावांगे और फिर इस गरीब दास के अंत मिलावांगे। इन जो लिख रखा वो बिल्कुल सो का सो सत्य है, जब ये सत्य हो सके तो जो इन और बता रहा कि ऊपर की वह कौन सी गलत हो जाएंगे कि साधना एक और करनी है जो आप नहीं करते। बोल सतगुरुदेव की। अभी आपने सुना कि जिस प्रकार तो उस भगत जी ने मेरे से प्रश्न किया था कि मैं इस बात को नहीं जान पाया आज तक कि सारी महाभारत को फेल करने वाले वो सुपत जी कहां से आ गए। जब उसको ये जानकारी हुई क्योंकि गरीबदास जी महाराज कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मा हुए अनंत करोड़ हुए ईश और साहेब तेरी बंदगी से यो जीव हो जा जगदीश। तो उसको बताया कि भाई परमात्मा कबीर साहब के अंदर वो शक्ति है कि उनके सतनाम को जाप करने से ये जीव भी पीव बन जाता है। जो तीन लोक के परमात्माओं में शक्ति होती है वो सतगुरु के उपासक हंस में हो सकती है। अब हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कबीर साहब में क्या शक्ति थी। जिस प्रकार हमने भगवान राम और कृष्ण जी को ईश्वर संज्ञा में ले रखा है
उनकी लीलाओं को सुनकर उनकी महिमाओं का जानकारी हो जाने से उनने के काम करे क्या क्या किया कि गीता जी के ग्रंथ का उन्होंने हमें ज्ञान दिया, उसको हमने बहुत श्रेष्ठ ज्ञान मानकर भी उनको ईश्वर संज्ञा में लिया। दूसरा ये है कि उन्होंने अपने पिताजी को कैद से छुड़वाने के लिए कंस का वध किया और जैसे पूतना को जहर दूधी का जहर लगा कर मारने के लिए पूतना गई थी, भगवान कृष्ण ने उसको खत्म कर दिया और मरे नहीं। और भी बहुत से कितने राक्षस गए थे उनके काबू में, भगवान कृष्ण नहीं आए। इन शक्तियों की जानकारी हो जाने से, लीलाओं के ज्ञान से हमने उनको ईश्वरीय संज्ञा में ले लिया। और इसमें कोई शक नहीं, इसी का प्रमाण बंदी छोड़ कबीर साहेब तथा गरीबदास जी बतावे हैं कि ये तीन लोक के परमात्मा थे। अब हम आपको कबीर साहेब की लीला बताएंगे। गरीबदास जी ने जो भी वो देखा था अपनी आंखों से, यानी सुरत की आंखों से, अंतःकरण की आंखों से, बाहर की आंखों से काम नहीं चलता। बहुत से पथ भ्रष्ट समझो, मार्ग से भ्रष्ट हो चुके हैं जो भगतजन, वो केवल आंखों से ही कहीं आंखों से दर्शन करवा देता हूं भगवान का। तो इसका मतलब है कि जिन जो अंधे हैं वो तो इन आंखों का दर्शन कर ही नहीं सकते, वो तो परमात्मा। सूरदास जी तो ईश्वर के दर्शन कर ही नहीं सके था, वो आंखें और हैं जिनसे ईश्वर के दर्शन होते हैं, परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। तो उन आंखों से कबीर साहब ने गरीबदास जियों को वो ऊपर के मंडल दिखाए और जो उन्होंने देखा वही यहां पर लिख दिया। महाराज कहते हैं, देखती कैत हूं अनदेखी कैत नहीं। ये जो भी मैंने लिख रखा अपनी आप देखी हुई कही से, इसमें झूठ रति भरनी है। तो अब हम आपको कबीर साहब के बारे में जानकारी देंगे कि उनमें क्या शक्ति थी। हमारे पास कबीर साहब के बारे में आपको जानकारी देंगे कि कबीर साहब अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा है, अनंत करोड़ जिसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। कबीर साहब इस कलयुग के अंदर वैसे तो बहुत बार प्रकट हुए, बहुत बार, परंतु लंबे समय में जो प्रकट होकर रहे वो कबीर नाम से और काशी जी में प्रकट हुए। विक्रमी संवत 1455, विक्रमी संवत 1455 में जेठ उतरते की पड़वासी पूर्णमासी के दिन बंदी छोड़ कबीर साहब काशी से लगभग 2.5-3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक लहर तारा तालाब है, उसके अंदर अपने सब इच्छा से अपने सतलोक से आकर और एक कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए। पूर्णमासी को, पूर्णमासी को, जेठ उतरते की पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह बंदी छोड़ कबीर साहब लहर तारा तालाब में कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए। और नीरू नीमा नाम के दो पति पत्नी थे। नीरू नीमा नाम के दो दंपति थे, पति पत्नी थे, वो पहले ब्राह्मण थे जाति से। ये आप सामने देख रहे हो, ये बंदी छोड़ कबीर साहब है और यहां एक ऋषि आपको बैठा नजर आ रहा है, इसके बारे में बताएंगे। और ये ऊपर से आकाश से प्रकाश आया, इस सारे लहर तालाब को एकदम इन्होंने जगमग कर दिया, सारी रोशनी इसमें होगी। और बंदी छोड़ महाराज एक बच्चे के रूप धारण करके इस कमल के फूल के ऊपर अपना विश्राम करते हैं। नीरू नीमा ये दो हिंदू यानी पंडित थे जाति के, इनका नाम था गौरी शंकर और सरस्वती। गौरी शंकर नीरू का नाम था और नीमा का नाम था सरस्वती। ब्राह्मण थे लेकिन उस समय हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का प्रभाव ज्यादा था, राजा मुसलमान थे और हिंदुओं से मुसलमान बनाया जाता था। मुसलमानों ने, क्योंकि ये विद्वान थे, शंकर देखे जाता उपासक,
शंकर भगवान की जो शंकर पुराण है शिवपुराण का ज्यादा अध्ययन किया करते थे तथा सुनाया करते थे, लेकिन मुसलमानों ने यह सुहाया नहीं उनके इतने अच्छे ज्ञान को, जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। और जो इनके वंशज थे पंडित जी, उन्होंने इनका सहयोग नहीं दिया, बल्कि ये मानकर के तुम्हारे को तो मुसलमान बना दिया, आप हमारी जात में नहीं आ सकते, जबरदस्ती उन्होंने पानी पिलाया था मुसलमानों ने जबरदस्ती। और उस दिन के बाद उनको हिंदू समाज ने उनको रिजेक्ट कर दिया, यानी वो अपने समाज से निकाल दिया। अब उन्होंने देखा कि मुसलमानों वाला काम तो हमारे बस का नहीं, ना हम मांस खा सकते और ना हम नमाज पढ़ सकते। उन्होंने फिर भी अपने इष्ट की उपासना ज्यों की तो रखी और एक ताणी बुनन का काम शुरू कर दिया। अब जैसा कर्म कोई करे वैसा ही उसको नाम दे दिया जा। जैसे हमने देखा कि एक जाट एक जगह चिनाई का काम कर रहा ठेकेदार के पास, उसको सब मिस्त्री कहे, जाट को वहां कोई नहीं कहा था। एक पंडित बहुत गरीब था, उसने किसी ने सलाह दे दी कि भाई तू दिल्ली में अपना खोल ले दुकान नाई की, नाई की दुकान खोल ली तो वहां उसको नाई कहेंगे, पंडित जी कोई नहीं कहेगा। तो जैसा भी हम कर्म करते हैं उसी के नाम से हम प्रसिद्ध हो जाते हैं, जाने जाते हैं। तो उनका के हुआ जी, उन बेचारा ने अपना ताणी बनन का काम शुरू कर दिया। पहले आम घर में होया करती, दरीदारी तो आम छोरी बहू बनाया करती थी, आदमी भी बना। इधर सरसा जिले में हम गए थे, वहां पर अब भी खड्डी बनाई हुई, उन्होंने अपनी दरी आप बनाती हैं बहने, लड़कियां बहन खेस बनाती हैं, लेकिन वो उन्होंने एक विशेष उसका साधन वो बेचनी शुरू कर दी महाराज के पिताजियों ने अपना रोजी रोटी के लिए, तो उनको जुल्हा नाम दे दिया। जो खाड़ी का काम करे वो जुल्हा जाना जाता है। उनका संतान कोई नहीं थी, कहते हैं एक उन्होंने गंगा में नहाना भी बंद करवा दिया पंडित जी ने कि यहां आप स्नान नहीं कराया करोगे। वो नहाने के लिए लहर तारा तालाब पर जाया करते, उसमें कहते हैं उस समय गंगा का कुछ पानी रिस्क है और आता था वो भरा रहा करता था, बहुत स्वच्छ निर्मल जल से, बहुत लंबा चौड़ा सरोवर था। तो वो उड़न आया करती जा करके, दोनों जने मुंह अंधेरे जा करके, तो ये सुबह सुबह जा रही थी। जब नहाने लग गए तो उन्हें देखा कि एक लड़का कमल के फूल के ऊपर है और पाँव मारने लग रहा पानी में, क्यों थोड़ी थोड़ी सी सूर्य रोशनी प्रकाश होने लगा। तो उसी समय नीमा ने नीरू अपने पति से कहा कि आप एक देखियो बच्चा डूबेगा। अब नीरू ने कहा कि इस जल में भी इसने बच्चा दिखा, क्योंकि संतान नहीं है, बेचारी पागल हो रही है। उन्होंने बोला इस जल में बच्चे का क्या काम, अगजी जल्दी देखो देखो डूब गया, वो डूबेगा बच्चा। अब उसने भी इतनी कराट से कहा तो एकदम नजर गई, सामने देखा है तो कम से कम भी बहुत ज्यादा पानी उसमें और बहुत दूरी पर लगभग 50 फुट की दूरी पर बच्चा नजर आवे। अब वहां पर ना तो कोई औरत धरका आ सकती और जच्चा तो भी ना बढ़ सके उस पानी में। तो भाव ये सब लोग वैसे मनमुखी बना रखा, कई भाई कहें से कि वो तो एक विधवा ब्राह्मणी का हुआ था, शर्म की मारी की तत गेर गई थी, एक टोकने में पाया था नो पाया था, ये सब बनावटी बात से कति नरी झूठ है। नो कहे बिना माँ बाप का पैदा ही नहीं हो सकता, जब शुरू में सृष्टि रहती जब कैसे हुई थी, कौन था माँ था कि बाबू था, पहले विचार करिए। वो परमात्मा बना भी सकता है और आप भी आ सके, इसमें कोई आंट मानन की आवश्यकता नहीं। और जिस परमात्मा पर पाबंदी होगी नो नहीं कर सकता तो भगवान नहीं है, ईश्वर संज्ञा में नहीं है, वो जो चाहे सो कर सके। तो जी वो भाग के अंदर गया और समेत फूल उस बच्चे को ले आता है। आज कबीर साहब एक कमल के फूल लगा ऊपर है, लहर तारा तालाब के अंदर आए, वहां पर नीरू जो है नीरू भाग करके अंदर से उस कमल के फूल में थे और सजा फूल उठा लाता है और नीमा को दे देते हैं। ये साथ में नीरू खड़ा है और ये इधर महाराज कबीर साहब को लिए नीमा खड़ी है, सरस्वती जी जो कि जिनका पहला नाम सरस्वती जी था। तो अब उसने निकाल तो लिया बच्चे को, फिर उसके याद आई अक्तन तो चाड़ा कर दिया, पहले तो हमारे को हिंदू से मुसलमान बना दिया और अब हम इस लड़के ने ले जाएंगे तो हो सकता है वो लोग हमें ताने देकर बुरे अच्छी कह करके और किसी राजा को सिकला करके कहीं से हमें देश निकाला ना दे दें। तो क्या करें, उसने नो कहा अपनी पत्नी नीमा से
कि इस लड़के ने यही डाल दे, हम नहीं ले जाएंगे। अब औरत की आत्मा बहुत नरम हो सै, ने बोली जी मेरे पति बालक नहीं गिरा जा सकता, ये बच्चा मेरे से नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मां ने बेरा हो सै कि नवजात शिशु और इसके मां नहीं बाप नहीं, कितनी बुरी हालत में ये तड़फेगा मरेगा। ने बोली जी देख मैं तो इसमें छोड़ नहीं सकती। तो ये छो मां आ गया आखिर में नीरू जी कि मैं तेरा थप्पड़ मारूंगा और इसने गेर यहीं पे, या फिर रोन लागी, बैठ कर बोली कुछ नहीं। इतनी कराहट देख कर माई की तो बंदी छोड़। कबीर साहब एक दिन के शिशु बोलते हैं, कहने लगे भगत जी मैं आपके लिए सतलोक से आया हूं और मुझे घर ले चलो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और इतनी आवाज कबीर साहब के मुंह तक सुनकर उस नीरू की पिट्टी का पिंडी कांपने लागी, घबरा गया कि ये पता नहीं क्या देव है या कोई गण है या कोई भूत प्रेत ना हो। और घबरा कर ने बोला भाई तो ले चाल बेशक मैं कुछ नहीं कंदा आपसे। उस बच्चे को लेकर घर ना आ जाते हैं तो वहां क्या होता है, बच्चे को लेकर घर ना आगे विचर। अब किसी ने बेरा पट्टा को भाई ये तो एक छोरा ठा ले किसी का, कोई तो कुछ कहे, कोई कुछ कहे और कोई कुछ कहे, तो ये दोनों घबरा जाते हैं कि केरा होगा। अब मुसलमानों को पता चला कि चलो लड़के का नाम रखेंगे और अपनी कुरान लेकर आ जाए। अब यहां गरीबदास जी की साखी पार्क के अंग से आपको सुनाते हैं, है तो इन्हीं की, बाकी इसमें मैंने नोट कर रखी है अलग से शॉर्ट में। तो बहुत बड़ा पार्क का अंग से 3-4 घंटे में लगातार पढ़े जब पूरा होगा और समझाने लग जाए तो 3 दिन में समझाया जाएगा, लगातार 6-6 घंटे समझाओ जब। पर ये मेन जो हमारी आवश्यक थी वो हमने इनमें से निकाल ली, बाकी उन्हीं की कोई उर्दू में कोई किसी भाषा में उन्हीं को प्रमाणित महाराज ने सब भाषाओं के लिए कर रखे। यहां लिखा है ग्रीव अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जनान माए। वो तो एक बंदी छोड़ कबीर साहब है, ना किसी मां का पैदा हुए ना किसी जननी का हुए, अनंत कोट ब्रह्मंड में ये बंदी छोड़ कहाए, सतपुरुष ये बंदी छोड़ कहाए, बंदी छोड़ का आपको परिचय देंगे। अब फिर प्रमाण देते हैं गरीबदास जी, गरीब शब्द स्वरूपी साहेब धनी शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही, गरीब जल थल साक्षी पृथ्वी, गरीब जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है अवगत पुरुष अलेख है, गरीब सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। सेवक होकर एक छोटे से ताना बुन दिया जुलाहा बनकाए बंदी छोड़, गरीब काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधार, मोमन को मुजरा हुआ जंगल में दीदारे। मोमन, मोमन कहते हैं जो हिंदू से मुसलमान बनाए गए वैरायटी के जो मुसलमान होते हैं उनको मोमन कहते हैं। ग्रीब कोट करण शिशिबान सोदे आसन अदर विमान, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। नो कहते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी के काशीपुरी कष्ट हुआ, काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधार और परसत पूर्ण मोमन को मुजरा हुआ फिर जंगल में दीदार। अपनी मर्जी से सतलोक से आए थे शब्द स्वरूपी, शब्द अपनी शक्ति से जैसा रूप वो बनावे वैसा बना सकते, उसको शब्द स्वरूपी रूप कहते हैं। कहते हैं गरीब अनंत कोट शशि भान शुद्ध, अनंत करोड़ शशि कहे चंद्रमा और भानु कहे सूर्य को, इतनी चमक के साथ सतगुरु महाराज वहां से ऊपर से आए थे और प्रकाश रूप में और क्या नाम उस लहर तला के कमल के फूल के ऊपर प्रकट हो जाते हैं। और फिर जब उस काशी वहां से उठाकर निम्मा ने अपनी छाती का जब लाया उस औरत ने
इतना आनंद आया कि परशत पूर्ण ब्रह्म को और शीतल पिंड और प्राण उस परमात्मा को गोदी में ले पाछे जो आनंद माई ने महसूस किया उसका वर्णन हम कर नहीं सकते। हम तो उनके नाम लेते हमारे शरीर में कर्नाट हो जाता है, इतनी सरण सरण हो जाती शरीर में बंदी छोड़कर नाम आनते। और जिसने उस परमात्मा को अपनी छाती का और शरीर से स्पर्श किया उस बच्चे के रूप में, उसके आनंद को वही वर्णन कर भी नहीं सकते, वो भी नहीं कर सकते। यहां बंदी छोड़ उसका एक ही दोहे हम कहते हैं, ग्रीब कोट कोट किरण शशि बान सोदे आसर आसन अदर विमान परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। उस माई ने बच्चे को गोदी में लाया, फिर मुंह चुम्या लाड करे परमात्मा के, धन्य है वो माई। अब ये माई कौन थी और ये नीरू कौन था, थोड़ा सा प्रकरण और दे दें। ये उस सुपत सुदर्शन बाल्मीक के पिता पुत्र माता पिता थे द्वापर में। तो उसने सुदर्शन ने तो महाराज कबीर साहब की बात को सत मान लिया, लेकिन इन्होंने उनकी बात पर विश्वास नहीं करा कि आप तो वैसे ही कह रहे हो कबीर साहब, मुनि करुणा में जी के नाम से आए थे ना, आप तो वैसे झूठ बोल रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति नहीं है, हमने इन्हीं के बारे में जानकारी, अनपढ़ थे, जंगल में रहती थी। लेकिन नहीं माना तो सुदर्शन आखिर में अपने महाराज से कहता, गुरु जी हे परमात्मा मेरे माता पिता का कल्याण भी करवाए करी दियो। जो बोला भाई देख इस जन्म में तो ये मानते नहीं, इनको फिर जन्म दूंगा और फिर जब इनका जन्म होगा मनुष्य का ही होगा और फिर इनको मैं नाम उपदेश दूंगा, नाम बिना जीव का छुटकारा नहीं हो सकता। नहीं तो परमात्मा कबीर साहब खुद भगवान आ रहे थे सारा ने गेल ले जाते सतलोक में और सब ने सामने दर्शन दे रहे थे कबीर साहब परमात्मा थे। जब इन दर्शन का ही अगर मुक्ति होंगी होती इन तो सारे जा लेंगे। एक नियम से परमात्मा का नाम भजन करना पड़ेगा और वो भी सच्चा नाम जो कबीर साहब ने आगे प्रचलित कर रखे। तो जी वो नहीं माने, दूसरा जन्म उनका ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ, उसमें भी महाराज कबीर साहब इनको मिले थे ऐसे ही, एक बच्चा वैसे ही मिल गया था जैसे रास्ते में चलते हुए। तो कबीर साहब जब 5 साल के 4 साल के हुए तो इनको कहने लगे कि आप मेरी बात का यकीन करो, मैं आपको नाम दूंगा और आपका गुरु बनूंगा, आप नाम लो और पार हो जाओगे। पर इनका फिर भी विश्वास ना हुआ कि और बालक ने हम गुरु बनावे, तो उनका वो शरीर भी खत्म हुआ कुछ दिना के बाद पूरे हुए। उसके बावजूद फिर ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी फिर बने। जब कबीर साहब ने ऊ तो ये मानना नहीं हो, क्यों फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी का घमंड उच्च जाति का, ऐसा काम बना कि मुसलमानों ने उनको पहले ही ऐसा कर दिया कि उसमें अभिमान नहीं छोड़ा और औलाद नहीं थी, फिर इनको लहर तालाब प्रकट हुई। हाँ पहले जन्म में जब महाराज इनको मिले इनको कहने लगे आप नाम ले लो, तो ये नहीं माने। तो 5-7 दिन के बाद महाराज उनके सामने के सामने अंतर ध्यान हो गए थे, दिखे नहीं उनको, उसके बाद वो पुत्र रहित भी हो गए थे और बहुत पछताए थे, रो रो कर रुदन मचा दिया था कि हमने नहीं बेरा था, आप इतनी मान सकती हो। फिर महाराज ने अगले जन्म में फिर मिले एक बच्चे के रूप में जैसे अभी वर्णन किया। तो उनको महाराज कहे जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास और गेल गेल ला गया रहूं जब लग धरनी आकाश। फिर कहते हैं भक्ति बीज जो होवे हंसा तारूं तास के कोत्तर वंशा, एक भी कुणबे में अगर सच्ची भावते कबीर साहब को मानता है नाम ले रखा पूरे गुरु ते तो नोके उसके 101 पीढ़ी न पार करूंगा। ये प्रमाण दिया सतगुरु ने कि उसके मां बाप को भी महाराज पार करके लेंगे और इस रूप में आके लेंगे। तो यहां ग्रीब काशीपुरी कष्ट किया गृह में गोद लिया मुचो में कर कोट हेम रूप झलकंते जगर मगर काया कर दमक पदम अनंते। हेम रूप जैसे हेम कहे बर्फ ने और स्नो व्हाइट का आकरण बहुत कति बर्फ के साथ सफेद, इतना बंदी छोड़ का चमकीला शरीर था। कहते हैं गरीबदास जी महाराज गरीब गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत
जगर मगर काया कर दमक पदम अनंत। ग्रीब कांसी उमटी गुल भया मोमन का घर घेर। कोई कह ब्रह्मा विष्णु है कोई कह इंद्र कुबेर। जो बंदी छोड़ के इसे सुंदर शरीर में छोटे से बच्चे कह देखा को तेनो कहे तो ब्रह्मा के शादी कैसे इतना तेज हो मैं बच्चा। कोई विष्णु कोई इंद्र कोई कुबेर और कोई कहे तो कोई देवता से। ग्रेब कोई कह ये वरुण है कोई कह वरुण धर्मराय है कोई कहत है ईश। सोला कला सुभान गति कोई कह जगदीश। ग्रीब भक्ति मुक्ति ले उतरे मेटन तीनू तापे। मोमन कह डेरा लिया कह कबीरा बापे। भक्ति और मुक्ति लेकर आए और तीनों तापों को मेटने के लिए। बंदी छोड़ कबीर साहब के नाम में वो शक्ति है कि वो तीन ताप को नष्ट कर देता है।